जबलपुर का 450 बच्चों का आवासीय एकलव्य विद्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। यहां खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों को उल्टियां होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कारण दूषित भोजन। एक साथ इतने बच्चों के बीमार हो जाने पर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक के होश फाख्ता हो गए। जब उन्होंने बच्चों से बात की तो काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए। बच्चों ने बताया कि अधिकतर समय हमें दूषित खाना ही दिया जाता है, शिकायत करते हैं तो हमें चुप करा दिया जाता है, इस कारण सभी मजबूरी में नाक पकड़कर खाना खाते हैं। मामला सामने आने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। राजनीतिक दलों के साथ बच्चों के अभिभावकों ने भी इसे लेकर प्रदर्शन किया। बीना में 17 वर्षीय छात्र बस से उतरते वक्त पिछले पहिए की चपेट में आ गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने बस ड्राइवर और क्लीनर की पिटाई कर दी। बस में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। हादसा बीना खिमलासा रोड पर माला सुनेटी गांव में हुआ। छात्र के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ चक्का जाम कर दिया। करीब 2.5 घंटे से यातायात थमा रहा। प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्होंने जाम खोला। पुलिस के मुताबिक रवि अहिरवार 12वीं क्लास में आर्ट स्ट्रीम का छात्र था। बुधवार को वह पास के बसाहरी गांव के शासकीय स्कूल में भूगोल की तिमाही परीक्षा देने गया था। परीक्षा देने के बाद रवि तिरुपति ट्रेवल्स की बस से घर लौट रहा था। बस जैसे ही गांव में पहुंची, ड्राइवर ने स्पीड धीमी कर उसे जल्दी उतरने को कहा। उतरते वक्त रवि हादसे का शिकार हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद विधानसभा चुनाव 2003 से अब तक प्रदेश की 40 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा लगातार जीतती आ रही है। वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस अजेय बनी हुई है। 2008 के बाद अस्तित्व में आई 28 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस कभी नहीं हारी है, जबकि भाजपा के पास ऐसी 5 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लॉन्च की है। योजना में किसान या किसानों के समूह को 3 हॉर्स पावर के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर और 11 केवी विद्युत लाइन की सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि कोई भी किसान आवेदन देकर अपने खेतों में ट्रांसफार्मर लगवा सकेगा। ट्रांसफार्मर लगवाने का आधा खर्च सरकार देगी, आधा किसान को देना होगा। इंदौर में मूंग भजिए का फैमिली बिजनेस 41 साल पहले ठेले से शुरू किया। हाथ से कूटकर तैयार करते हैं मसाले। स्वच्छता की राजधानी इंदौर में खानपान की इतनी वैरायटी है कि आप खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन खाने के आइटम खत्म नहीं होंगे। बस इसी कारण से इंदौर को जायके की राजधानी भी कहा जाता है। कड़ाके की सर्दी हो या बरसात का मौसम, गर्मा गर्म भजिए मिल जाए तो क्या कहना। 25 सितंबर को पीएम मोदी आएंगे भोपाल। भेल आनंद नगर इलाके में स्कूल बाजार हो सकते हैं बद रेड। बसों के रूट होंगे डायवर्ट। अगर आप भेल, पिपलानी, अयोध्या, कोकता या फिर रायसेन रोड के आसपास रहते हैं तो जान लीजिए 25 सितंबर को आपके इलाके में जाम की स्थिति भी बन सकती है, या फिर दुकानें, बाजार एवं स्कूल आदि भी बंद होने की संभावना है। पीएम मोदी ने बाइडन को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का दिया न्योता। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित। 8 घंटे चली बहस, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया है। बिल के पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया। संसद की नई इमारत में कार्यवाही मंगलवार से शुरू हुई। पहले दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया था। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम दिल जश्न बोले बुधवार को जारी कर दिया गया। रणवीर सिंह को इस गीत के लीड एक्टर के तौर पर लिया गया है। बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार प्रीतम ने इसके लिए धुनें रखी है। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निजर की हत्या के मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच का राजनयिक संकट थमता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों देश एक दूसरे के राजनयिक को अपने यहाँ से निष्कासित कर चुके हैं। भारत ने कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।